इंडियन प्रीमियर लीग का नया सीजन शुरू होगा 27 मार्च से, यानी कि इसी साल 27 मार्च को शुरू होगा। उससे पहले आपको देखने को मिलेगा एक एग्जीबिशन मैच जिसको बहुत लोग मान रहे हैं कि ऑल स्टार्स का मैच होगा। मेरे साथ मौजूद है मनोज जोशी सर। सर, अगर बात की जाए तो इस दो टीम में कौन कौन सी डिवीजन रहेगी? एक सुनने में आ रहा है कि नॉर्थ और ईस्ट जोन की और एक साउथ और वेस्ट जोन की, यानी कि दिल्ली डेयरडेविल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स और किंग्स इलेवन पंजाब की एक टीम। उसके बाद साउथ में आया तो मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद की एक टीम। तो बहुत ही फैसिनेटिंग, बहुत ही रोमांचक कॉन्टेस्ट होने वाला ही है। दिखने में तो बहुत ही रोमांचक लगता है कि चेन्नई और मुंबई दोनों एक ही उसमें पड़ रही हैं, एक ही जोन में पड़ रही हैं। तो ऐसा लगता है कि ये जो इसमें चैंपियन टीम जो कई बार चैंपियनशिप इसका आईपीएल का खिताब जीत चुकी है जो टीमें, वो एक पूल में हो गई हैं और दूसरे में थोड़ा सा हल्का लग रहा है। लेकिन प्लेयर हल्के नहीं है, प्लेयर बहुत तगड़े हैं दूसरी टीम में भी। मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल, लेकिन अगर आप टीम के प्लेयर्स के नाम बता जी, बिल्कुल वर्सेस, जैसे आपने चारों टीम का जिक्र किया तो मेरे हिसाब से डेविड वार्नर, रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी आपको एक टीम में खेलते हुए दिखेंगे। वहीं से अगर आंद्रे रसल, केएल राहुल, उनके साथ साथ श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, बहुत ही रोमांचक। लेकिन एक बहुत ज्यादा लोग इस बात में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं कि वर्सेस, यानी कि यहां से अगर हमें दिखेंगे रोहित शर्मा तो आपको कौन लगता है उनको कौन दमखम या उनको टक्कर पाएगा नॉर्थ और ईस्ट जोन से? क्या केएल राहुल होंगे उनके जोड़ीदार भारतीय क्रिकेट टीम के? अब देखना पड़ेगा जी उसमें किसको टीम में शामिल किया जाता है। अगर केएल राहुल हो तो वास्तव में टक्कर होगी, दोनों जोड़ीदार हैं और यहां प्रतिद्वंदी के तौर पर दिखाई देंगे। अगर फास्ट बॉलर्स की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह वर्सेस पैट कमिंस हो सकता है। ये बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, वास्तव में बहुत अच्छा मुकाबला होगा क्योंकि ये मुकाबला T20 का है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एज जो है ना वो बुमराह के है, बुमराह के पास है। अगर यही टेस्ट मैच के लिए होता तो शायद थोड़ा सा एज कमिंस के पास होता। कमिंस बहुत लंबे लंबे स्पेल में बॉलिंग करना जानते हैं, करते रहे हैं और नंबर वन भी उनकी रैंकिंग रही है, बुमराह की रैंकिंग उनसे एक नीचे रही है। और फिर उसके बाद जो है वनडे में थोड़ा बुमराह बेटर लगते हैं और T20 में और भी बेटर लगते हैं। और न्यूजीलैंड के खिलाफ आप दो मैच देखिए, जिस हिसाब से उन्होंने स्लॉग ओवर्स में बॉलिंग की, अब उनको पिछले मैच में तो पहले दो ओवर में लाया ही नहीं गया जी। हाँ, उसके बाद आप देखिए 18वां और 20वां ओवर एक मैच में तो वो 16 रन देते हैं जबकि खूब रन पड़ रहे थे उस वक्त, एक एक ओवर में दो दो चौके, दो दो छक्के पड़ रहे थे। ऐसी स्थिति में यदि आप रोक कर रखते हैं और उन 16 रन में भी दो तीन रन जो है वो ओवर थ्रो के थे। और अगले मैच में आप देखिए उसमें भी उन्होंने और भी कम रन दिए, 6 रन नहीं दिए, तो ये उनको काफी उनका एज दिखाता है जी। लेकिन अगर वहीं बात की जाए स्पिनर्स की तो आपको खुलचा जोड़ी अपने आमने सामने दिख सकती है, यानी कि कुलदीप यादव खेलेंगे नॉर्थ और ईस्ट जोन से और डाउन साउथ और वेस्ट जोन से खेलेंगे युजिंदर चहल, या फिर राशिद खान को पिक कर सकते हैं वो लोग। राशिद खान को अगर कर देते हैं तो वो नंबर वन लेग स्पिनर। फिर आपको ये समझिए कि जो रोहित शर्मा, विराट कोहली और धोनी वाली जो टीम है जी, वो राशिद खान के आने से और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। बिल्कुल, हरभजन पहले ही है उस टीम में, इस टीम में कोई स्पिनर अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। और अगर कुलदीप यादव का चयन किया जाता है तो वो कुछ टक्कर देंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि कुलदीप यादव T20 के उतने अच्छे सिद्धस्थ प्लेयर नहीं है जितने कि यजुवेंद्र चहल हैं, और इस मामले में भी एज मैं समझता हूँ विराट और रोहित के टीम को ही जाता है। बिल्कुल, लेकिन अगर सब बिग बाउट की बात करें या ऑलराउंडर्स की बात करें तो आपको दिखता है आंद्रे रसल वर्सेज हार्दिक पांडे एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्टेस्ट हो सकता है, या फिर हार्दिक पांडे के अलावा कोई और बेटर ऑप्शन है आपके पास एज एन ऑलराउंडर? देखिए हार्दिक पांड्या अगर फिट हो जाए सबसे बड़ी बात तो यही है, क्योंकि अभी जो गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई आईपीएल की उसमें तो सौरव गांगुली ने साफ ही कह दिया कि अभी वो फिट नहीं है, मैच फिट तो बिल्कुल ही नहीं है। तो अभी जब मैच फिट अभी नहीं है और आईपीएल बिल्कुल सिर पर है तो भारतीय टीम कोई जोखिम नहीं उठाएगी, क्योंकि वो तो उनको तो एक ट्रम्प कार्ड की तरह लिया जा रहा है भारतीय टीम के वर्ल्ड कप के लिए, T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि दूसरी टीम का एज ज्यादा है, जो आपने नॉर्थ वाली टीम कही है, नॉर्थ ईस्ट वाली जो टीम कही है और सेंट्रल जोन वाली जो टीम कही है, मसल रसल है उसमें। बेन स्टोक जो आज बड़े जबरदस्त फॉर्म में है, बहुत अच्छे बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, उनके अलावा बटलर हैं, मॉर्गन हैं, बड़े बड़े शॉट्स लगाते हैं, उधर डिविलियर्स हैं, लेकिन यहाँ पर मैं समझता हूँ तादाद जो है ना हिटर, बड़े बड़े हिट लगाने वाले, वो इस तरफ ज़्यादा हैं। और इससे भी ज़्यादा दिलचस्प जो है ना मुझे लगेगा कि दिनेश कार्तिक, जो धोनी की छत्र छाया में रहे, शेडो में रहे, लेकिन अब मुझे लगता है वो बिल्कुल बिल से बाहर आ गए और वो बिल्कुल दहाड़ते हुए नजर आएंगे और धोनी पर भारी पड़ते दिखाई देंगे इस बार। लेकिन सर बहुत ज्यादा फैंस ये मान रहे थे कि उनको ये कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा एमएस धोनी वर्सेस ऋषभ पंत, क्योंकि अब उनको आप सक्सेसर बोल रहे हैं एमएस धोनी का, उनका उत्तराधिकारी बोल रहे हैं, लेकिन जब आमने सामने होंगे दोनों दिग्गज खिलाड़ी, या आप चाहते हैं कि दिनेश कार्तिक को पिक करना चाहिए फॉर द सेक ऑफ हिज एक्सपीरियंस या उनका जो गेम टाइम है? मैं तो ये कहूंगा कि दिनेश कार्तिक टीम में होने चाहिए क्योंकि तब टक्कर बराबर की होगी, क्योंकि दिनेश कार्तिक को हमने निधस ट्रॉफी से लेकर तमाम ऐसे टूर्नामेंटों में देखा जो महज 5-6 बॉलों पर 18-19 रन बनाते हैं, कभी 25-26 रन 8-10 बॉलों पे बनाते हैं। तो ये अभी थोड़ा सा ये खूबी उनमें है जरूर ऋषभ पंत में, लेकिन वो अभी थोड़ी गायब दिखाई दे रही है।
तो अगर यहाँ पर मैं समझता हूँ दिनेश कार्तिक को लेंगे तो धोनी के साथ टक्कर बहुत बराबरी की होगी। ऑलराउंडर की आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया तो रसेल का आपने नाम लिया, तो यहाँ पर जो है शेन वाटसन है। लेकिन एक चीज आप देखिए, दोनों टीमों में जो बड़ा फर्क, बुनियादी फर्क लग रहे हैं, जो वेस्ट वाली टीम में बेशक उसमें रोहित शर्मा, धोनी और विराट कोहली दिग्गज हैं, लेकिन कई बीते जमाने के प्लेयर भी हैं। एबी डिविलियर्स हैं जिसका नाम उछाला जा रहा है कि वो टीम में होंगे, शेन वाटसन है अपने टाइम के बहुत अच्छे प्लेयर थे, लेकिन वो भी उनका भी वक्त जो है ना अब जा चुका है। महेंद्र सिंह धोनी जो अपने पीक फॉर्म में हुआ करते थे, बच्चा बच्चा उनका कायल था, लेकिन आज धोनी भी बिल्कुल उतार पे आ गए हैं। और आलम यह है कि वर्ल्ड कप जो हुआ था न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मुकाबला भारत का सेमीफाइनल, उसके बाद से वो उतरे ही नहीं, बल्कि ना डोमेस्टिक खेले, किसी लेवल पे वो कोई क्रिकेट नहीं खेले हैं। बस इतना सुनने में जरूर आया, पिछले दिन उन्होंने झारखंड टीम के साथ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है, हाथ अजमाए हैं, वो भी आईपीएल की प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन उस टीम में पुराने जमाने के प्लेयर नहीं है, सारे करंट हैं, अच्छी फॉर्म में। बिल्कुल, तो ये था हमारा अपडेट, जो पर्टिकुलरली एक वन ऑफ मैच, एक एग्जीबिशन मैच, एक ऑल स्टार मैच खेली जाए। हालांकि कुछ अभी वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ है सर, कुछ ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं हुई है। 27 मार्च यानी कि जो जहाँ पे पहला मैच खेला जाएगा आईपीएल से 3-4 दिन पहले होगा, लेकिन ये कन्फर्म है कि ऑल स्टार मैच खेला जाएगा और इसी में ये दोनों टीमें भिड़ेंगी। तो सर आपके हिसाब से अगर आपको पिक करना होगा कौन उस टीम का इस मैच का विनर होगा, आप किसके साथ जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट? पहला बड़ा बड़ा हूँ जी, मैं नॉर्थ के साथ ही हूँ और मैं तो कहूँगा कि हमारी नॉर्थ टीमें जीतेगी। बिल्कुल, और वेस्ट टीम में ठीक है, रोहित शर्मा की बल्लेबाजी हम तो ये चाहते हैं, रोहित शर्मा विराट कोहली खूब रन बनाए लेकिन टीम को ना जिता पाए। बिल्कुल, टीम को ना जिता पाए क्योंकि इवेंचुअली जीत क्रिकेट की होगी, क्योंकि चैरिटी पर्पस के लिए पूरा मैच खेला जाएगा, इसका जो भी कह लीजिए राशि होगी या जो भी जो कंट्रीब्यूशन होगा वो स्प्लिट किया जाएगा फॉर द नोबल कॉज। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स।